यार सबवे खा खा के ना अब थोड़ा मैं बोर हो चुका हूँ, तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना थोड़ी रिसर्च की जाए और ऐसी प्लेसेस ढूंढी जाए जहाँ पे सब सैंडविचेस ऑफर होते हैं। एंड देन मुझे पता चला मिस्टर सब के बारे में, बट द प्रॉब्लम इज क्या मिस्टर सब के सब जितने अच्छे हैं नहीं। खैर, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सबवे वर्सेस मिस्टर सब वीडियो। वैसे यार ये वर्सेस वीडियो ना हम पहले भी काफ़ी बार कर चुके हैं, एंड मतलब ये कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं। और आज की वीडियो में आई विल बी कंपेयरिंग सबवे विद मिस्टर सब। इन वीडियोस में ना हम इन ब्रांड्स को तीन पैरामीटर्स पे कंपेयर करते हैं। एक उनका मेन्यू, मतलब उनकी वैरायटी ऑफ क्यूजींस, वैरायटी ऑफ डिशेस, दूसरे उनका टेस्ट, एंड तीसरा देयर प्राइसेस। और अगर मैं इन दोनों के मेन्यूज की बात करूँ तो यार इनके मेन्यू बहुत डाइवर्स हैं, बट मैंने सारा काम कर लिया है, मैंने एक जगह सब कुछ शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। दोनों के मेन्यूज में हैं सब्स, सैलड्स, रैप्स एंड कुकीज और ड्रिंक्स एंड या दैट्स इट। और अगर मैं सब्बे की बात करूँ तो सब्बे में है यार कुल 19 वेराइटीज के सब्स, और मिस्टर सब में है टोटल ऑफ बुपिंग 21 वेराइटीज ऑफ सब। एक्चुअली ना यार, इन्होंने अपने मेन्यू में अपने सब्स को तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन में बांटा हुआ है। तो मतलब इनका एक प्रीमियम सब है, एक फिर मीडियोकर लेवल वाले सब्स हैं, एंड एक थोड़े वो सस्ते वाले सब्स हैं। सबवे में है 23 वेराइटीज़ ऑफ रैप, और अगर मैं मिस्टर सब की बात करूँ तो वहाँ पे हैं भाई साहब 26 वेराइटीज़ ऑफ रैप। एंड यार सैलड्स का सीन कुछ ऐसा है कि जो भी सब्स हैं आप उनको दोनों रेस्टोरेंट में सैलड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बट द थिंग इज सबवे में सर्व होती हैं टोस्टीज, जो कि मिस्टर सब में नहीं है। और यार सबवे का ना अपना एक ब्रेकफास्ट एग सब है, वो मिस्टर सब में नहीं है। कहना पड़ेगा मुझे कि इनका मेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ सर्व्स, रैप्स एंड सैलड्स। बट द थिंग इज भाई, अगर आप सब सैंडविच खा रहे हैं तो सारे नंबर होते हैं भाई उनके सॉस और उनके ब्रेड के। और एक बढ़िया चीज़ है यार कि दोनों रेस्टोरेंट्स के पास अपनी अपनी वैरायटीज की ब्रेड्स और अपनी वैरायटीज की सॉसेज हैं। दिस मेक्स बोथ ऑफ दीज रेस्टोरेंट्स यूनिक एंड दे हैव देयर ओन फ्लेवर। मिस्टर सब में है 11 वैरायटीज ऑफ सॉसेज, एंड सबवे की अगर मैं बात करूँ तो देर आर 10 वैरायटीज ऑफ सॉसेज, स्क्रीन पे आप चेकआउट कर लो। और अगर मैं ब्रेड्स की बात करूँ तो यार मिस्टर सब में है 6 वैरायटीज ऑफ ब्रेड, एंड सबवे में भी है 6 वैरायटीज ऑफ ब्रेड। बोथ ऑफ दीज रेस्टोरेंट्स के मेन्यू आर ऑलमोस्ट सेम, लाइक ऑलमोस्ट सेम। अब यार अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ जो कि इनका टेस्ट है, टेस्ट के लिए तो भाई खाना लाना पड़ेगा ना पहले। आई एम गोना गो आउट एंड आई एम गोना गेट सम फूड। हाँ जी, खुशी देख रहे हो मेरी शक्ल पे? खुशी इसलिए है क्योंकि खाना आ चुका है। और भाई मैंने पता है सोचा था कि मैं सब करूँगा, मैं सैलड ऑर्डर करूँगा, मैं रैप ऑर्डर करूँगा, मैं कुकीज़ ऑर्डर करूँगा, बट द प्रॉब्लम वाज मिस्टर सब में ना यार रैप्स अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए ना मैंने रैप्स ऑर्डर नहीं करे। और मैं अब सिर्फ सैलड के साथ आया हूँ, और मैं सिर्फ सब के साथ आया हूँ। और तो यार दोनों सब से मैंने ऑर्डर किया है वेज सीख सब। और हाँ, बाय द वे आज सारी वीडियो में हम सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाने वाले हैं, तो मतलब बस मैंने सोचा कि यार बता दूँ। देखो जी यार क्या दिखाऊँ, ये घुचड़ मुचड़ हो चुका है सारा, पर फिर भी देख लो ये देखो। हाँ तो भाई इसके अंदर मैंने डलवाई है मेयो, इसके अंदर मैंने डलवाई है मिंट मेयो, इसके अंदर डलवाई है मैंने स्वीट अनियन, इसके अंदर डलवाई है मैंने थोड़ी सी बारबेक्यू, और मैंने इसके अंदर डलवाई है थोड़ी सी हनी मस्टर्ड। वैसे अगर आप लोगों को मुझे सबवे की ट्रीट देनी हो तो याद रखना कि मुझे थोड़ा सा अपना सब स्वीट पसंद है, तो इसलिए मैंने अनियन वाली और मस्टर्ड वाली डलवाई है, और ये मैं हमेशा डलवाता हूँ। तो भाई ये सब ना मैं बहुत बार खा चुका हूँ और फिर से खाऊंगा, क्योंकि सब तो यार मुझे बहुत पसंद है।
आज मुझे ना इसकी जो ब्रेड है ना बहुत 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 ज़्यादा टाइट लग रही है। सब्स खाने के बाद ना मुझे गिल्टी फील नहीं होता क्योंकि मैं सबवेज को मतलब सब्स को हेल्दी कंसिडर करता हूँ, ऑल्दो इतने हेल्दी भी नहीं होते इसके अंदर क्योंकि मेयो वगैरह होती है। बट यार अगर आप सब खा रहे हो तो आप वेजीज बहुत सारी खा रहे हो तो इसलिए हेल्दी है। इसके अंदर मैंने सारी वेजीज डलवाई हैं, बस मैंने पिकल्स नहीं डलवाए। हाँ भाई, तो ये खाया था हमने सबवे का सब, और अब मैं आपको दिखाता हूँ मिस्टर सब का वेज सीख सब। वैसे यार इनकी पैकेजिंग पे कुछ इनकी ब्रांडिंग वगैरह नहीं है, वैसे यार ये देखो इस पे भी नहीं है, वैसे ब्रांडिंग करा लेते तो अच्छा होता, सिखाते हैं हमें मार्केटिंग में कि ब्रांडिंग तो होनी ज़रूरी है। ए देखो जी, दिस इज़ एक्चुअली द बटर पेपर, इन्होंने बटर पेपर के अंदर मुझे रैप, अरे बाप रे इन्होंने क्या जला दिया क्या मेरा सब, देखना ज़रा, चेक दिस आउट भाई, इन्होंने रोस्ट ढंग से नहीं किया इसको, मतलब ढंग से तो किया है मतलब उसको थोड़ा ओवर कर दिया। ओके ये देखो इसके अंदर ना भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ मैंने सॉसेस कौन से डलवाई है। मैंने ना इनकी एक सीक्रेट सॉस है वो डलवाई है, मिंट मेयो डलवाई है, सिंपल वाइट मेयोनीज डलवाई है, थोड़ी सी बारबेक्यू डलवाई है, और मैंने इसके अंदर स्वीट अनियन डलवाई है क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे अपना सब थोड़ा स्वीट पसंद है। तो भाई एक रियलिटी बताता हूँ, इस सब का टेस्ट एकदम डिफरेंट है सबवे के वेज सीख सब से, रीजन बीइंग ऑफ कोर्स इनकी सॉसेस, और जो इन्होंने अंदर पैटी डाली हुई है उसका भी बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। मुझे मतलब बाइट लेते ही समझ आ रहा है इसके अंदर सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। देखा जाए तो मुझे अभी भी सबवे का सब ही ज़्यादा पसंद आया है और मैं वही खाना प्रेफर करूँगा, बट अभी सैलड की लड़ाई बाकी है तो इसलिए अब मैं सैलड खाने वाला हूँ। दिस इज कॉल्ड सबवे का मेक्सिकन पैटी सैलड, अरे खुल के नहीं रहा। ओह यह, चेक दिस आउट यार, पहले ना सबवे अपना सैलड एक राउंड बाउल में सर्व करते थे जैसे कि मिस्टर सब ने सर्व किया हुआ है, अब ये लोग ऐसे कंटेनर के अंदर सर्व करते हैं। और एक सेकंड, और इसके अंदर भी मैंने सारी वेजेस डलवाई है, और हाँ वो बस मैंने पिकल्स नहीं डलवाए, बाकी तो अपना सीन वही वाला है पुराने वाला। ओए होए होए, ऑलराइट इट्स टाइम टू डिग इन। तो यार वेजीज का तो फ्लेवर कोई खास चेंज होता नहीं है, सारे नंबर जो होते हैं वो इनकी सॉसेस के होते हैं, और पर्सनली मेरी सबवे की सॉसेस तो देखो फेवरेट हैं ही। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पहले सबवे भी ऐसे ही बॉल में अपने सैलड सर्व करते थे, बट अब चलो कोई बात नहीं, उससे तो मुझे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, वैसे सारे नंबर तो भाई फ्लेवर के होते हैं। और भाई देखो ये जो ऑरेंज वाली ऊपर सॉस नज़र आ रही है ना आपको, ये ऑरेंज वाली ये है मिस्टर सब की सीक्रेट सॉस, और भाई इसके अंदर मैंने पेपरिका भी डलवाया है। और एक चीज़ मैंने बढ़िया नोटिस करी है इसके अंदर, जो इन्होंने वेजीज डाली है ना वो बहुत छोटी छोटी चॉप करके डाली है, बस यही फ़र्क है, ऑफकोर्स सॉसेस का तो फ़र्क है ही। कहना पड़ेगा ये मैक्सिकन पैटी जो है, दिस थिंग, दिस इज ठूला जवाब यार। और यार जो मिस्टर सब की सीक्रेट सॉस है उसका सीन कुछ ऐसा है, मतलब वो एक नॉर्मल मेयो है, उसके अंदर ना इन्होंने थोड़े से लाइट वेट स्पाइसेस बनाए हुए हैं, मतलब खा के तो यही समझ आ रहा है। और भाई मेरे लिए मिस्टर सब का सैलड वॉज गुड ओनली बिकॉज, क्योंकि इसकी जो इन्होंने मैक्सिकन पैटी यूज़ की हुई थी भाई साहब वो बढ़िया लगी मुझे। देखो यार जब भी मैं ऐसी कंपैरिजन वीडियो शूट करता हूँ मैं हमेशा चाहता हूँ कि चीज़ें जो काफ़ी फेयर हो, इसलिए जो हमेशा ऑर्डर है मैं ऑलमोस्ट वही ऑर्डर करता हूँ जो दोनों के मेन्यू में सेम सेम है, ताकि वो हेड ऑन हेड वाला कंपैरिजन हो पाए। और यार आज अनफॉर्चुनेटली मिस्टर सब में रैप्स भी अवेलेबल नहीं थे और कुकीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं रैप्स लाया नहीं, बट मुझे कुकीज़ खानी यार बहुत पसंद है, तो मतलब इसे हम कंपैरिजन में नहीं डालेंगे, पसंद है यार तो अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे सबवे का सब ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे मिस्टर सब का सैलड अच्छा लगा, और मिस्टर सब के सब का प्राइस था 120 रुपीज़,
और सबवे का सबका प्राइस है 155 रुपीज़, और सबवे के सैलेड का प्राइस है 205 रुपये, और मिस्टर सब के सैलेड का प्राइस है 210 रुपये। तो इट मेक सेंस, जो ज़्यादा अच्छा है उसका प्राइस ज़्यादा है, पर भाई सबवे का सब इतना ज़्यादा महंगा क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आया। और यार पता है प्रॉब्लम क्या है, मिस्टर सब के आउटलेट्स ना बहुत कम है, सबवे तो मतलब ऐसा लगता है कि हर गली के एंड में खुला हुआ है। तो भाई बॉटम लाइन ये है कि अगर बाई चांस कभी आप मिस्टर सब पहुंच जाते हैं और अगर वहां पे आप अपना सब बनवा रहे हैं या फिर सैलेड बनवा रहे हैं, तो आप उनकी वो सीक्रेट सॉस ज़रूर डलवा लेना। मतलब ज़रूरी तो नहीं है, पर अगर आप डलवा लेंगे तो आपका खाना अच्छा हो जाएगा, मैं एडवाइस कर रहा हूँ, तो आप डलवा लें। और हाँ यार एक बात ये भी है कि ऑफकोर्स सबवे का मेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्स है, तो ऑल इन ऑल भाई सबवे इज द क्लियर विनर, बट मिस्टर सब एटलीस्ट डिजर्व अ ट्राई। अगर आपको सब्स और सैलड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आपको एक बार मिस्टर सब तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको करनी है यार, आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं नहीं बता रहा क्योंकि, बट कर दो, और बेल आइकन भी दबा दो और लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। और मैं आपसे मिलने वाला हूँ जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ईटिंग, स्टे हैप्पी, एंड आई एम गोना सी यू सून, बाय।